उत्तर प्रदेश के मेरठ और उत्तराखंड के युद्धाभ्यास के दौरान राजस्थान के दो जवान शहीद हो गए और दोनों जवान करौली जिले के रहने वाले थे। वार प्रैक्टिस में ब्लास्ट के दौरान बुरी तरह घायल हुए जवानों को अलग अलग मिलिट्री हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। जानकारी अनुसार तिगरिया करौली के कुलदीप गुजर भारतीय सेना के सिक्स राजपूत रेजिमेंट में कमांडो थे, जबकि मेहमतपुर करौली के शहीद हुए मोहन गुजर मार रेजिमेंट में हवलदार थे। शुक्रवार को दवा दौरान वे घायल हुए थे। कुलदीप और मोहन गुजर शहादत की खबर मिलते ही उन्हें गांव में शोक की लहर छा गई। शहीद हुए जवान कुलदीप गुजर का पार्थिव शरीर शनिवार दोपहर करीब 2 बजे उनके पैतृक गांव तिगरिया पहुंचेगा, जहां राजकीय सम्मान साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। वहीं शहीद मोहन गुजर का पार्थिव शरीर दोपहर करीब 3 बजे इनके पैतृक गांव मेहमतपुर लाया जाएगा। अंतिम संस्कार के दौरान क्षेत्र के विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठन के कई लोग मौजूद रहेंगे। टोडा भीम फंड क्षेत्र के तिगरिया ग्राम पंचायत रहने वाले कुलदीप गुजर की गुरुवार शाम को उनके पिता वृंदावन सिंह से फोन पर बात हुई थी और फोन पर अपनी माँ का हालचाल पूछा था। वह घर कुछ जरूरी कामों के लिए मई में छुट्टी लेकर आने वाले थे, लेकिन इस दौरान उनकी शहादत की खबर आ गई। शहीद जवान कुलदीप गुजर की 3 पीढ़ियां सेना में देश सेवा कर चुकी है। कुलदीप के पिता वृंदावन सिंह आर्मी में हवलदार पद से सेनानिवृत्त हो चुके थे और दादा राजन सिंह भी सेना में रह चुके हैं। वही दूसरी ओर उत्तराखंड में युद्धाभ्यास के दौरान शहीद होने वाले मोहन गुजर परिवार पिछले काफी सालों से कोटा में रह रहा था। बेटे की शहादत खबर मिलते ही परिवार पैतृक गांव मेहमतपुर पहुंच गया।